मुंगेर में ब्यूटी पार्लर संचालिका का मिला शव। कॉस्मेटिक सामान खरीदने के लिए निकली थी, भागलपुर में चलाती थी ब्यूटी पार्लर। नवगछा में 95 करोड़ के एथेनॉल प्लांट का भूमि पूजन। उद्योग मंत्री ने कहा 60,000 लीटर पर डे बनेगा एथेनॉल, 250 लोगों को मिलेगा रोजगार। छपरा में ट्रक और कार में भिड़ंत, युवक की मौत। रुपए वसूली कर लौट रहा था ऑर्केस्ट्रा संचालक, तभी हुआ हादसा, 2 गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में पानी को लेकर मारपीट, भाई बहन समेत भांजों को भी दूसरे पक्ष ने पीटा, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गृह प्रवेश पर आरजेडी नेता की हर्ष फायरिंग, गया में पैक्स अध्यक्ष ने पिस्टल तो उनके बेटे ने राइफल से की कई राउंड फायरिंग। लखीसराय में बेटे ने पिता को मारी गोली, पिता के साथ चल रहा था जमीन विवाद, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। सीतामढ़ी के एसआई पर यौन शोषण का आरोप, पीड़िता की शिकायत के बाद एसपी की कार्रवाई, आरोपी एसआई को किया गया गिरफ्तार। वैशाली में तेल मिल में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक का नुकसान, आग की वजह शॉर्ट सर्किट। मधेपुरा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, बाइक पर सवार अपराधियों ने मारी 3 गोली, युवक की हालत गंभीर। जहानाबाद में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, घर से स्कूल के लिए गए थे, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। भागलपुर में मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन एक परीक्षार्थी निष्कासित, बीएल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज नवगछिया का मामला, 1462 परीक्षार्थी अनुपस्थित। नवादा में बहू को जिंदा जलाया, हाथ और पैर को रस्सी से बांधा, चीख सुनाई नहीं दे इसलिए मुंह में रुमाल ठूसा। भोजपुर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हालत गंभीर देख पटना रेफर किया गया। सुपौल पुलिस ने डॉक्टर की लापरवाही को किया रफा दफा, मासूम की मौत पर आक्रोशित हुए परिसर, तो निजी क्लिनिक ने पुलिस के सामने 40,000 देकर किया मैनेज। समस्तीपुर में पत्रकारों पर भड़के बीपीआरओ, भ्रष्टाचार को लेकर बैठक के दौरान हुए गुस्सा, बोले सदन से तत्काल सभी बाहर जाइए,